हेलो दोस्तों, डाउटनेट पर आपका स्वागत है। अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ अपने बायोलॉजी के भी डाउट को क्लियर कर पाओगे, वो भी डाउटनेट के साथ। इसके लिए आपको करना क्या है, इस डाउटनेट नामक ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आपको इस डाउट वाले ऑप्शन पर, डाउट वाले फंक्शन पर क्लिक करना है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो उसकी आपको फोटो खींचना है। जैसे ही आप फोटो खींचेंगे तो इसके बाद आपको वही क्वेश्चन क्रॉप कर देना है। ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन नंबर तक नहीं आना चाहिए, ओनली क्वेश्चन आपको क्रॉप करना है ऐसे। इसके बाद इस फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक करते हो तो आपका जो वीडियो सोल्यूशन है वो कुछ ही सेकंडों में आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें आपको 70 में 50 अंक दिलाए जाएंगे, तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियोज में भी मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो 5 अंक वाले होंगे और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होंगे, और आपके एग्जाम में पर वीडियो से एक क्वेश्चन फंसने की गारंटी भी मेरी है। अगर इन 5 क्वेश्चनों में से 5ों आपको प्रिपेयर है, तैयार हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसलिए 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो होता है, तो इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच करिएगा। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि इन क्वेश्चनों का सलूशन कहाँ मिलेगा, वो भी ट्रिक एंड टिप्स फुल। ऐसी फिजिक्स ना तो आपने कभी पढ़ी होगी और ना तो आपको किसी ने पढ़ाया होगा, जैसी फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाई जाएगी जो मैं सलूशन जहाँ का बताऊँगा। तो वीडियो को शांति से देखते रहिए। वीडियो के अंत में इनका सलूशन आपको इंड स्क्रीन के जो वीडियो जाती हैं लास्ट में वीडियो आ जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय संबंधी फराडे के नियम का उल्लेख कीजिए। वैद्युत चुंबकीय संबंधी फराडे के नियम का उल्लेख कीजिए, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर। सबसे पहले सर्च करने का तरीका यही है, जितने क्वेश्चन बताऊंगा तो आप, जैसे फराडे के नियम नहीं आ रहे तो आप सर्च करेंगे फराडे के नियम बाय सक्सेस नॉलेज, मेरे वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरण गुणांक में इनमें से कुछ एक ना कुछ एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपके आपको बोर्ड एग्जाम पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। ये भी महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को बोर्ड एग्जाम पर मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इन जो ये जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए भी लगाइए ये जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और उन बच्चों के लिए भी ये सीरीज लगाई गई है जो अपने आप को बहुत टैलेंटेड लगाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अजमा लें कि यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं अथवा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये 70 में 60 वाली जो सीरीज है वो वाकई में 70 नंबर के पेपर में आपको 60 अंक दिला के रहेगी। बस आपको शर्त यही है कि आपका क्या करिए, आप अपना ये देते रहिए टाइम 10 मिनट 5 मिनट का जो भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या कीजिए, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहीं से ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।